जी न्यूज पोर्टल के दर्शकों को नमस्कार। दोस्तों हमने सुबह सुबह चोरी का वो बताया था, चोर को शिवपुरी भी कॉलोनी में पकड़ा था और तीन मकानों में चोरी तो कर वो चौथे मकान में गया तो वो चोर पकड़ा गया। और आइए बताते हैं हम जो कौन कौन से घरों को निशाना बनाया गया था। एक तो पहला घर था तो ये निशाना है, आप देख रहे हैं ये सर किस सुरेश चंद गुप्ता, स्वर्गीय सुरेश चंद गुप्ता, अंजू देवी गुप्ता, जो सबसे पहले चोर यहीं आए थे। यहाँ आके उनने सबसे पहले जाल काटा, ये बिल्कुल जाल काटा है, देख रहे हैं दोस्तों ये किमाल का जाल काटा है, ये किमाल का जाल काट दिया चोर ने। क्या है, डॉग था, डॉग चिल्लाने की वजह से चोर यहाँ से नबरा हो चुके थे, बाहर कुंडी लगा के और गई। देख रहे हैं दोस्तों ये इसको जाल को काट दिया था यहाँ से, और लेकिन पीछे एक डॉग था और वो उसके डॉग के भूसने के कारण चोर यहाँ से छोड़कर दूसरे अगले दूसरे मकान के वो निशाना बनाया। और हाँ। वो भी मकान बताएंगे दोस्तों हम आपको, जहाँ से मोबाइल चोरी हुई जो शिवपुरी बी कॉलोनी में चोर पकड़ा गया था। और हम बताएंगे जो चोर ने निशाना बनाया, आपके यहाँ पे चोर आया था क्या? हाँ। क्या नाम से है आपका मकान? गुलाबचंद सेन। आपके से यहाँ से क्या क्या लेके गया था? हेडफोन ले गए, तीन मोबाइल ले गए, एक तो टच वाला था, एक जियो का था और एक सादा था, चश्मा ले गए। तो हमने जो लाइव दिखाया था उसमें कुछ सामान लिखा आपको? हाँ, वो हमारा भी था, जो हमने सुबह लाइव में दिखाया था सामान चोर के साथ में, वो उसमें कुछ सामान था आपके? तो थाने पे पहुँचे आप? गए थे, इसके पापा गए थे। तो आपने रिपोर्ट दे दी? मालूम नहीं है रिपोर्ट का तो। देख रहे दोस्तों यहाँ पर ये आर्य समाज मंदिर के पास में उस चोर ने निशाना बनाया रात्रि को, और इनके तीन मोबाइल एक चश्मा, हेडफोन हेडफोन तो उसमें सामान में था। हमने भी देखा था सुबह चलाया था उसमें लाइव में, और उधर ही मोबाइल पुलिस को लोगों ने पकड़ कर सुपुर्द कर दिया था, क्योंकि उस चोर को 3:30 बजे शिवपुरी 3:30 बजे की बात थी, 3:30 बजे वो बांध में लेता दुपट्टे से जी। और मतलब मैंने सोचा कि ये मतलब दोरानी का बच्चा है, पढ़ने आया है जी, इससे मैंने कहा विशाल इतना जल्दी मत जगा इसको, अभी रात हो रही है। पर वो सुन के और फिर थोड़ी देर खड़ा होकर टॉर्च से उजाला करे, ये सो रहा था ये बच्चा। तो अंदर मोबाइल कहाँ रखे हुए थे? जंगला कमरे में रखे थे, एक जंगला में चार्ज पे लगे हुए थे। अंदर से कुंडी खोल दी। कितनी कीमत के मोबाइल थे आपके? कितनी कीमत के मोबाइल थे? एक 800 का था और एक 2-3 हजार रुपए के थे। छोटे वाले मोबाइल थे आपके? मिले थे ना 1000 रुपए का, सरकार की तरफ से मिले थे, एक जियो वाला जी और एक टच का था और एक मतलब सादा ही था, 500, 600, 700 तक। आपके यहाँ के तीन मोबाइल ले लेगा। और जो तीसरा जो मकान निशाना बनाया है वो मदन मिस्त्री का पास में ही है दोस्तों, हम उस मकान को भी दिखाना चाहेंगे आपको। और यहाँ पर एक मकान में तो प्रयास नहीं हुआ क्योंकि वो कुत्ते भूसने के कारण छोड़ गया, फिर बाद में पास के मकान को इनके मकान को निशाना बनाया गया है, और यहाँ से तीन मोबाइल चोर और हेडफोन ले गया। और जो तीसरा घर है जो हम बताना चाहेंगे आपको, बेटा चलना कौन से घर का, ये आर्य समाज मंदिर कॉलोनी के पास में दो मकानों को तो यहाँ पर निशाना बनाया, जिसमें एक में तो चोर सफल हो गया, तीन मोबाइल ले गया। और तीसरा मकान है जो मदन मिस्त्री का बताया जा रहा है, और चोर ने भी स्वीकार किया था कि वो तीन घरों में चोरी करके आ गया, लेकिन जब चौथे मकान में गया रामदयाल प्रजापत के मकान में तो वो चोर वहाँ पर पकड़ा गया। और तीसरा मकान ये है यहाँ पर, क्या नाम से है आपका मकान? मदनलाल। किसका मकान है? मदनलाल का। मदनलाल मिस्त्री जी का। मदनलाल मिस्त्री। कहाँ पर रखे थे आपके मोबाइल? यहाँ पर है। दोस्तों हम बताना चाहेंगे कि ये मदन मिस्त्री का मकान है और आर्य समाज मंदिर के
पास में डबल रास्ता के मकान है इसमें, और चोर पीछे से आया। और इनके कितने मोबाइल थे आपके? पूरे सामान बिखरे हुए थे। कितने मोबाइल गए आपके? दो है। कौन से मोबाइल हैं? एक तो सैमसंग का है, आई टेक का। सैमसंग का और आई टेक का। और कोई सोने चांदी का जेवर? नहीं, सोने चांदी का ऐसे है, रोल्ड गोल्ड के नेकलेस है एक। वो भी लेके गया चोर? हाँ। जो हमने आपने जी न्यूज पोर्टल पर देखा होगा, हमने सामान भी दिखाया था, तो खबर में उसमें कोई सामान था आपका? हाँ, एक फोन था और वो नेकलेस भी था, पैसे भी थे उसमें आपके। हाँ, हाँ, और एक घड़ी है। एक घड़ी है, घड़ी भी उसमें मिल गई आपको? हाँ, घड़ी मिल गई। एक फोन तो उसमें मिल गया, एक नहीं मिला। जब आप उसका कवर मिला बस। उदयपुर थाने पे गए आप? हाँ, आपने रिपोर्ट दे दी कर दी। और इसमें आपके कितने मोबाइल थे? दो थे। दो आपके यहाँ से चुराए? हाँ, चुराए गए थे। हाँ, लेकिन आपको वहाँ पर कितने मोबाइल मिले? एक मिला, एक नहीं मिला। एक एक मोबाइल तो मिल गया, लेकिन एक दूसरे का कवर? हाँ, कवर मिल गया उसका, कवर तो ले आए हम। कवर मिल गया लेकिन उसका मोबाइल नहीं मिला दूसरे का वहाँ पर। और जो नकली नकली वो आते हैं हर बार, पैसे कितने थे उसमें? 240 रुपए तो मिल गए, और 360 ये थे वो तो नहीं मिले। एक और था उसमें जो वो तो नहीं। कितनी कीमत के मोबाइल थे आपके? एक तो मेरा 6100 का था, और एक तो तेरा कितना था? दो मोबाइल थे आपके यहाँ से चोर चुरा के लेके गए, इनके दो मोबाइल चोर चुरा के ले गए। लेकिन जब चोर की तलाशी ली गई वहाँ पर, तो इनके एक ही मोबाइल मिल पाया, एक का खाली कवर मिला है। हाँ, कवर मिला है एक। और इन लोगों ने उदयपुर थाने में रिपोर्ट, कंप्यूटर के सर्टिफिकेट वगैरह भी थे उसमें, मेरे सर्टिफिकेट भी थे कंप्यूटर, सर्टिफिकेट भी इसमें मिल गया। हाँ है। तीसरा जो मकान जो बनाया गया निशाना चोर के द्वारा, वो इनका मदन मिस्त्री का मकान है ये, और इसको निशाना बनाया गया। और ये पेटीएम पर मिली थी, ये पेटीएम पर मिली है क्या? अच्छा, और एक डंडा था जो पुलिस के वहाँ पे दिया है। एक डंडा भी छोड़ गया चोर? हाँ, यहाँ लगाया वाने, यहाँ यहाँ खड़ा हो, यहाँ डंडा यहाँ लगा दिए वाने। अच्छा, डंडा यहाँ लगा रहे हो, यहाँ पे सो रहे, और जगह ने तो चढ़ बिल्कुल मारा वा, और माई दे रहा है हमको डंडा। तो उदयपुर पुलिस पे डंडा क्यों दिया है आप? हाँ, दिया है डंडा, दिया है पका कर भाई। दोस्तों, जो हमने सुबह लाइव दिखाया था चोर को रंगे हाथ लोगों ने पकड़ा था, वो जो चोर हुई है, जो एक तो इस मकान में हुई है मदन मिस्त्री के, और दूसरा क्या नाम है उनका नाई का? गुलाब जी, गुलाब सैनी के मकान में चोरी हुई है। और दूसरा एक मकान है उसको निशाना बनाया, लेकिन उसकी जाली काट दी गई अग्रवाल साहब है जिनका, लेकिन कुतिया के भौंसने पर चोर वहाँ से भाग छूटा, और ये इसके मकान को निशाना बना। चोर आया किधर से था? चोर इधर से बताया जा रहा है कि इधर से चोर ये आया था टॉयलेट के लिए गया था। यहाँ से आया, यहाँ से इधर से आया, यहाँ पे देख रहा क्या पे, यह सेक्शन खुल रहा यहाँ पे जी, यह सेक्शन खुल रहा जी, क्या पैसे देख रहा जी, क्या मधु तो उठा रही छोरा को 3:30 बजे से की बात है यार, दूध ऑटा जब ये पेशाम कर में आई, जब पेशाम कर रहे थे यार, डर लिया जब जी गया यार। फिलहाल इनका जो मोबाइल गया वो उदयपुर थाने पर, एक मोबाइल तो मिल गया और एक का कवर मिला है, और जो नकली जेवर थे वो भी मिल गए इनके वहाँ पर। और इन्होंने रिपोर्ट आपने दे दी लिख के? हाँ, दे दी रिपोर्ट दी गई है। दोस्तों, सावधान रहें, सतर्क रहें, और जय हिंद जय भारत।